हेलो मेरे क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल, जिस पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का टर्म 2 का क्रैश कोर्स, क्लास 10th केमिस्ट्री यानी साइंस का एग्जाम जो कि 10 मई को होने वाला है टर्म 2 का। उसमें आप लोगों को केमिस्ट्री के दो चैप्टर्स आ रहे हैं और एज पर द रिड्यूस्ड सिलेबस हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम का चैप्टर डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। वो सारे बच्चे जो मुझसे लगातार ये पूछ रहे हैं कि सर अगर हम लोग डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th का तो हम क्या करें, तो गाइज मैं ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में क्लास 10th का ये चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड डिटेल में करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में एक तो आपको दे दूंगा और एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप चाहो तो उसको सर्च कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर यूट्यूब पर जाकर टाइप कर दो मृत्युंजय पंड्या या टाइप कर दो ग्रेविटी सर्कल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आपको क्लास 10th के पूरे प्लेलिस्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसे कंप्लीट आराम से डिटेल में स्टडी कर सकते हो। तो आज हम लोग हमारे टर्म 2 के क्रैश कोर्स का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गाइस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले तो मैं ये डिफाइन करवा दूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कि ये एलिमेंट्स क्या होते हैं। बेटा एलिमेंट्स सबसे पहली बात वो सब्सटेंसेस होते हैं, एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। सब्सटेंसेस जो सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं उन्हें एलिमेंट्स बोला जाता है। जैसे कि अगर मेरे पास में एक सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस है तो गाइस ऑक्सीजन गैस में आपको जितने भी ओ टू के मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे वो सारे के सारे ओ टू के मॉलिक्यूल्स, वो सारे के सारे ओ टू के मॉलिक्यूल्स सिर्फ एक प्रकार के एटम यानी ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं, इसलिए ऑक्सीजन आपका एलिमेंट है। वहीं अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट है तो आप बोलोगे नहीं कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट मुझे कार्बन दिख रहा है और एक एलिमेंट मुझे ऑक्सीजन दिख रहा है, तो बेसिकली ये एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। हां कार्बन डाइऑक्साइड दो एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है तो ये आपके एलिमेंट्स हो गए। नाउ गाइस एलिमेंट्स की अगर बात करें तो लगभग हम मान के चलो 17th सेंचुरी से ये एलिमेंट के बारे में स्टडी करने की, एलिमेंट को डिस्कवर करने की, एलिमेंट को जानने की, एलिमेंट को पहचानने की एक होड़ मची हुई थी। एंड मैं आपको बता दूं टिल नाउ जून तक ऑल द 118 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, यानी आपके जितने भी 118 एलिमेंट है वो सब डिस्कवर्ड हो चुके हैं एंड उन्हें एक अच्छा प्यारा सा नाम भी दे दिया जा चुका है। एक्चुअली 2016 के पहले एटॉमिक नंबर 113, 115, 117 और 118 इन एलिमेंट्स के नाम पर लड़ाई चल रही थी कि इन्हें क्या नाम दिया जाए, इन्हें क्या नाम दिया जाए, लेकिन जून 2016 में आप लोगों को इन चार एलिमेंट्स के नाम भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं और आज की तारीख में हमारे पास में पूरे 118 एलिमेंट नोन है। हाँ मैं जानता हूं कि आप लोग सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, हाँ मैं जानता हूं कि आप लोग सब इस बात को जानते हैं पहचानते हैं कि भैया सीबीएसई अभी अपडेटेड बुक नहीं है, एनसीईआरटी में इतना अपडेशन नहीं है, इस वजह से आप लोगों को जो एक सेकेंड हाँ तो इस वजह से आप लोगों को ये जो 118 एलिमेंट है शायद इसका नंबर कम देखने को मिल सकता है, शायद इसका आपको नंबर कम देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसे अपडेट कर लीजिए। जून 2016 का 118 एलिमेंट हमें पता है। अब एक बात बताओ इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी, मुझे एक बात बताओ इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी, एलिमेंट्स को पीरियोडिकली
क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? इमेजिन करो आप एक किराने की दुकान में जाते हो, ग्रोसरी शॉप, आपको आपके घर वालों ने 118 आइटम की लिस्ट दे दी है और आप ये वाली शॉप पे जा रहे हो, आप इस शॉप पर किराना लेने जा रहे हो, किराने की दुकान का सेठ बाहर बैठा हुआ है और क्योंकि आपकी उससे पहचान है आप इस दुकान के अंदर घुस जाते हो, आपको आपकी मम्मी ने बोला है कि भैया एक किलो जीरा लेकर आना। अब मुझे इस दुकान में ऊपर एक बक्सा दिखाई दे रहा है, पता नहीं इस बक्से के अंदर क्या रखा हुआ है, मुझे यहां एक अचार की बरनी दिखाई दे रही है लेकिन शायद ये वो अचार नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूं, ऊपर मुझे एक और थैली नजर आ रही है काले कलर की, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें जीरा होगा तो होगा कहां, क्या वो इस बॉक्स में जीरा रखा हुआ है, क्या वो इस काली थैली के अंदर जीरा रखा हुआ है, या वो इस कार्टून बॉक्स के अंदर जीरा रखा हुआ है, या इन किसी बॉक्स के अंदर जीरा रखा हुआ है। मुझे क्लासिफाई करने में बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे बोला गया है कि कुरकुरे लेकर आना, तो चलो कुरकुरे तो मुझे सामने दिख गए तो मैं ले आऊंगा। मुझे बोला गया है कि चलो नूडल्स लेकर आना, लेकिन मैं यहां पर नजर दौड़ा रहा हूं, मुझे कहीं नूडल्स दिखाई नहीं दे रही है। मुझे बोला गया है डेटॉल का सोप लेकर आना, तो यहां पर देखो सोप किस तरीके से अरेंज्ड है, बिखरे बिखरे। तो अब ये जो किराने की दुकान है इसमें आइटम तो बहुत है, नो डाउट, इसके मालिक ने बेचारे ने बहुत मेहनत करके बहुत सामान इसके अंदर घुसा रखा है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं पड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस किराने की दुकान को हमें ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं इस किराने की दुकान में घुस गया तो मेरे को रात हो जाएगी, लेकिन मैं मेरे 118 आइटम्स ना तो सिलेक्ट कर पाऊंगा ना खरीद पाऊंगा। अच्छा, खरीदने के बाद भी जब मैं सेठ के पास जाऊंगा कि सेठ मैंने आइटम ले लिए जरा बिल बना दो, तो सेठ क्या करेगा, अच्छा कुरकुरे लिए हैं, कुरकुरे के पैकेट को उठाएगा, उसके पिछवाड़े देखेगा, अच्छा 20 वाला कुरकुरा लिया है, 20 रुपए का कुरकुरा जोड़ देगा, अच्छा सैनिटरी पैड लिया है, फिर इसका MRP देखेगा, अच्छा 150 रुपए का है, ठीक है, अच्छा अचार खरीदा है, अचार के पीछे बरनी पे लिखा है 700 रुपए, फिर ऐसे करके जोड़ेगा 0 0 0, 5 और 2 7, 5 और 1 7 और 1 8, 880 870 रुपए दे दो भैया। समझ रहे हो, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लेकिन अगर इसके अपोजिट में किसी सुपरमार्केट चला जाऊं, वही लिस्ट जो मुझे मेरी मम्मी ने दी है, अगर वो लिस्ट लेकर मैं सुपरमार्केट चला जाऊं, अलग ही दिख रहे हैं कि यहां पर टमाटर पड़े हैं, अलग ही दिख रहे हैं कि यहां पर पता नहीं कौन सा विदेशी फ्रूट पड़ा है, सब्जी पड़ी, मेरे को तो पता भी नहीं, मैं तो लौकी सब्जी खाने वाला आदमी हूं, पर ठीक है कुछ है। आप देखो यहां पर वेजिटेबल्स कितने प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड है, आप देखो यहां पर कुछ डिओड्रेंट्स, कुछ और डिओड्रेंट्स अलग अलग कंपनी के प्रॉपरली अरेंज्ड है। आप जहां नजर फिराओगे, देखो यहां पर ऑरेंजेस पड़े हुए हैं, इनफैक्ट यहां पर ऑरेंजेस के बैग्स भी पड़े हुए हैं, आपको जैसा चाहिए आप ले लो। यहां पर आप देखो अलग अलग फ्रूट्स अलग अलग तरीके से कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पड़े हुए, आप अपनी ट्रॉली लो, ट्रॉली के अंदर आप अपना सामान रखते चलो, काउंटर पर जाओ, काउंटर पर भी टी 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 करके आपको इंस्टेंट बिल बना देगा, कार्ड स्वाइप करो, गूगल पे करो, निकल लो। क्या बात समझ में आ रही? तो अब आप मुझे बताओ कि आप इस नथुलाल, चलो इस किराने की दुकान का नाम हम लग देते हैं नथुलाल किराने वाला, नथुलाल किराने वाले की दुकान से ग्रोसरी परचेस करोगे या आप इस सुपरमार्केट से जाकर चीज पर से। अच्छा ऊपर लिखा हो वेट सिट्रस सीजन, मतलब अगर मुझे पता है कि मुझे खट्टी चीजें चाहिए, टमेटो चाहिए, ग्रेप्स चाहिए, ऑरेंजेस चाहिए, मौसम्बी चाहिए, कुछ भी चाहिए, कीवी चाहिए, मैं इस सेक्शन में आ जाऊंगा। यहां पर डेजर्ट सेक्शन या डेलिकेसी कुछ लिखा हुआ है तो यहां पर कुछ डिलीशियस चीजें होंगी, मैं वहां चले जाऊंगा। यहां पर डिओड्रेंट्स रखे तो मैं यहां चला जाऊंगा। मेरे को ऊपर से ही दिख जाएगा कि कहां पर क्या सामान रखा हुआ है, मैं ऊपर से नजर फिलाऊंगा, मुझे दिख जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ कि आप इस सुपर मार्केट में जाओगे, आप इस सुपर मार्ट में चीज खरीदने जाओगे, ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पर सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अब एक बात बताओ, जब तुम किराने जैसी सामान को भी एक ऐसी दुकान से परचेस करना चाहते हो जो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, शानदार तरीके से जमी हुई, चकाचक जमी हुई है, तो फिर एलिमेंट्स ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज आपके पास में 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। अब आप मुझे बताओ ये 118 एलिमेंट के अगर एकदम केओस मचा हुआ हो, कोई भी एलिमेंट कहीं भी रखा हुआ हो, तो क्या आप इन एलिमेंट्स के नाम, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी,
इनके एटॉमिक नंबर, इनके एटॉमिक मास, इनके एटॉमिक रेडियस, इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसी तमाम प्रॉपर्टीज क्या आप याद कर पाओगे अलग अलग? नहीं। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि आप एक कोचिंग में बैठे हो और वहां पर एक क्लास में 118 बच्चे भर दिए गए हैं सिर्फ कोचिंग के नाम पर, और 118 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया गया और बोला गया कि आपको पूरे 117 बच्चों के नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी माताजी का नाम, उनका फोन नंबर, उनका एड्रेस, उनका पैन कार्ड नंबर, उनका आधार कार्ड नंबर सब याद होना चाहिए। आप बोलोगे पागल है क्या, मैं इतना थोड़ी याद रखूंगा। ठीक उसी प्रकार एलिमेंट्स के साथ भी है। तो गाइस इसी वजह से इन 118 एलिमेंट्स को एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज करने की होड़ मच गई और इसीलिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट नाम के चैप्टर का जन्म हुआ। तो हम यहां पर लिखेंगे दैट इन ऑर्डर टू अरेंज the elements, that in order to arrange the elements in such a way that elements with similar properties are placed together and elements with dissimilar properties are placed differently। क्या बात समझ में आई? ये काम करना इस चैप्टर का हमारा मकसद है। हमारा मकसद इस चैप्टर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों यही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो क्या आप लोगों को नथुलाल किराने वाले से कुछ समझ में आया? चलिए गाइस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ ऐसी बात बताता हूं जो शायद एनसीईआरटी में नहीं दी गई है और जो शायद कभी नहीं पढ़ाई जाती। गाइस अर्लियर इन अर्ली 17th सेंचुरी हमें यह मालूम था कि हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स कौन हैं, कैसे हैं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था एंटोनी लेवोइसर ने पता है क्या किया था? सबसे पहली कोशिश करी थी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की। यस, मैं जानता हूं आपकी किताबें कुछ और कहती है, लेकिन जो रियल फंडा है वो यहीं से शुरू होता है कि एंटोनी लेवोइसर ने सबसे पहली कोशिश करी थी क्लासिफाई करने की एलिमेंट्स को, जो आप आज भी पढ़ते हो लेकिन ये बहुत बेसिक लेवल का है, छोटे लेवल का है, इसलिए इसको ज्यादा महत्व देकर, ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर हमारे चैप्टर में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आप पढ़ते जरूर हो। ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन टू पार्ट्स। इन्होंने एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन को दो पार्ट में करके खत्म कर दिया था। और वो दो पार्ट कौन से थे? पहला पार्ट आपके मेटल्स और दूसरा पार्ट आपके नॉन मेटल्स। तो एंटोनी लेवोइसर ने फॉर द फर्स्ट टाइम आपके एलिमेंट्स को मेटल एंड नॉन मेटल के हिसाब से अरेंज किया था और बताया था कि एलिमेंट दो तरीके के होते हैं। लेकिन गाइस बाद में 1803 में हमारे जॉन डेल्टन ने एक बड़ा अजीब खेल खेल दिया। जॉन डेल्टन ने हमें एक आर्टिकल पब्लिश किया और उसमें ही पब्लिश्ड द अटोमिक वेट्स ऑफ सेवरल एलिमेंट्स और इस वजह से एक नई होड़ मच गई कि यार एलिमेंट्स
अलग अलग होते हैं और उनके एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। तो एटॉमिक मास के हिसाब से हमें एलिमेंट्स की और उनके एटम्स की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम पड़ा, उसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन मिलने लगी। इसीलिए हम लोग एंटोनी लेवोइसर के इस क्लासिफिकेशन पर ज्यादा फोकस नहीं मारते हैं और हम इस क्लासिफिकेशन को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करते। और इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं और स्टडी करते हैं हमारे एक फर्स्ट क्लासिफिकेशन की। गाइज, अनअकैडमी से आ गया एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। अभी अनअकैडमी पर एक नया बैच लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है अर्ली मास्टर, जो कि KVPY के लिए, दैट इज किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब 10th क्लियर करने वाले हैं जैसे आप लोग, और फिर आप लोग 11th में जाओगे तब आप इस साल नवंबर या दिसंबर में जब भी एग्जाम आएगी तब आप इसे क्लियर करेंगे। इसमें अमृता मैम, नीतीश सर, सिद्धार्थ सर और मैं, हम चार लोग मिलकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो गाइज, एनरोल करें नाउ। जो कि टेक्निकली नंबर वन माना जाता है, जिसे बोला जाता है डॉबरनियर, DOBER डॉबरनियर ट्रायाट, डॉबरनियर ट्रायाट लॉ, डॉबरनियर ट्रायाट लॉ। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोग रेडी हैं डॉबरनियर का ट्रायाट लॉ पढ़ने के लिए? RER डॉबरनियर ट्रायड लॉ पढ़ने के लिए। एक्चुअली क्या हुआ, डॉबरनियर ट्रायड जो थे अपने दोस्त थे, 1817 के आसपास की बात है। कौन से साल की बात होगी, आप मान के चलो लगभग 1817 के आसपास की बात होगी। इनके टाइम पर अराउंड, मैं एग्जैक्ट वैल्यू तो कभी नहीं बताता क्योंकि अलग अलग बुक्स अलग अलग बोलती है। इनके आसपास अराउंड 32 एलिमेंट्स नोन थे, अराउंड बहुत कुछ 32 एलिमेंट्स वर नोन। अब क्या हुआ, इनको अपनी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना था। रात में इनकी बीवी से लड़ाई हो गई क्योंकि इनकी बीवी ने बोला कि भैया हमको तो डेट पे जाना है और मेरे को भी मृत्युंजय पंड्या की तरह व्लॉग करना है, तो अपन डेट पे चलेंगे और व्लॉगिंग करेंगे। अब डॉबरनियर तो बेचारे पुराने जमाने के लोग थे, भिड़े, आत्माराम तुकाराम भिड़े के जमाने के लोग थे ये, तो इन्होंने मना कर दिया। तो इनकी अच्छी लड़ाई हो गई, बेहतरीन वाली। अब बीवी से कौन जीत पाया है, लड़ाई हुई, जूते वूते खाए, रात को 10 बजे वाइफ को डिनर डेट पे ले जाना पड़ा। डिनर डेट से लौटते लौटते 12-1 बज गई। अब वाइफ तो बढ़िया खा पी के सो गई। अब इनको आया टेंशन क्योंकि इनको सुबह लेक्चर देना था। अब लेक्चर में इनको 32 एलिमेंट्स पढ़ाने थे। अब इन्होंने बोला यार कि चलो ठीक है, लेक्चर लेना है तो अपन एक काम करते हैं कि कुछ ऐसी ट्रिक ढूंढ लेते हैं जिसमें कि मुझे एलिमेंट्स को अलग अलग याद ना करना पड़े और मैं एलिमेंट्स को प्रॉपरली क्लासीफाई कर लूं। तो इनको एक पैटर्न दिखा, इन्होंने देखा कि यार जो तुम्हारा लिथियम है, लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो वो लिथियम ऑक्साइड बनाता है, लिथियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो LiH बनाता है, लिथियम जब सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो Na2O बनाता है और NaH बनाता है, पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो K2O बनाता है और KH बनाता है। मजा आ गया है। लिथियम जब हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो LiCl बनाता है, ये NaCl बनाता है और ये KCl बनाता है। तो इन तीन चीजों के बेसिस पर डॉबरनियर को एक बात समझ में आई कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्शन करने की या केमिकल रिएक्टिविटी करने की तरीका सेम है। मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हो ना हो, सेम टाइप के एलिमेंट है, सेम प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट है। तो इन्होंने क्या करा, बेस्ड अपॉन द रिएक्टिविटी, बेस्ड अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, the reactivity of elements with oxygen, hydrogen and halogen, oxygen, hydrogen and halogen, he placed the elements in a set of three
इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी इन्होंने क्या करा कि देख लिया लिथियम सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम है, तो उन्होंने क्या करा इन तीन एलिमेंट्स को तीन के सेट में इंक्रीज करके, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से रख दिया। मतलब सबसे पहले उन्होंने क्या करा, देखा कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड सेम है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम के हाइड्राइड सेम है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम के हैलाइड्स मतलब हेलोजन के साथ में यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ में रिएक्शन सेम है। मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम सेम है, सेम टाइप के एलिमेंट है, सेम टाइप की रिएक्टिविटी शो करते हैं। इस वजह से उन्होंने क्या करा, उन्होंने लिथियम सोडियम और पोटेशियम को तीन के सेट में रख दिया। अब तीन के सेट में भी कैसे रखा, तीन के सेट में भी उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से रखा। लिथियम जिसका एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली 7 है, पोटेशियम जिसका एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली 39 है, तो उन्होंने एक और खतरनाक चीज ऑब्जर्व करी कि वो एलिमेंट जो इनके ट्रायड में, भाई ग्रुप ऑफ थ्री, ये सेट ऑफ थ्री एलिमेंट, ये तुम्हारा सेट ऑफ थ्री एलिमेंट है, इज कॉल्ड एज ट्रायड, इसे ही तो ट्रायड बोला जाता है। तो लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक मास 7 है, और पोटेशियम जिसका एटॉमिक मास 39 है, अगर मैं इन दोनों के मास का एवरेज कर दूं तो मुझे यहां पर मिलेगा 46/2 यानी कि 23। एंड इंटरेस्टिंगली हमारे सोडियम का एटॉमिक मास भी 23 ही है, सोडियम का एटॉमिक मास भी 23 ही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम लोगों ने देखा that the mass of middle element is the average of mass of first and third element placed in triad। क्या ये मेरे प्यारे किडूस को समझ में आई? एंड ये था आपके डॉबरनियर का ट्रायड लॉ। तो डॉबरनियर का ट्रायड लॉ क्या कहता है? डॉबरनियर का ट्रायड लॉ कहता है दैट व्हेन द एलिमेंट बेस्ड अपॉन देयर रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हेलोजन आर प्लेस्ड इन अ सेट ऑफ थ्री इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, देन द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। यानी जब मैं हिंदी में रिपीट कर रहा हूं, आप लोग अपनी भाषा में डेफिनेशन लिखेंगे कि जब हम एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से इन अ सेट ऑफ थ्री यानी तीन के सेट में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करते हैं, तब पहले एलिमेंट का और तीसरे एलिमेंट के मास का एवरेज मिडिल एलिमेंट के बराबर होता है। ये तीन एलिमेंट जो आप लोगों ने अरेंज किए हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, उनकी प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी को देखकर किए गए हैं कि वो किस प्रकार के ऑक्साइड हाइड्राइड और हैलाइड बनाते हैं। और डॉबरनियर ने फॉर द फर्स्ट टाइम एक चोट मारी सबके दिमाग पर, एक आग लगा दी जंगल में कि भाई साहब एलिमेंट क्लासिफाई हो सकते हैं। एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत है, पहली उनके रिएक्शन करने का तरीका ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हेलोजन के साथ, क्योंकि उस समय पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कुछ हेलोजन जैसे कि क्लोरीन जैसे कि फ्लोरीन नोन थे और ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स में से एक थे, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी और हेलोजन भी। तो आप जिस भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी निकालना चाहते थे आप उसके ऑक्साइड हाइड्राइड और हेलाइड को स्टडी करते थे, और आपने पहली चीज इनकी रिएक्टिविटी उठा ली और डॉबरनियर ने दूसरी बात पर फोकस मारा कि आप उनके एटॉमिक मास पर फोकस करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास के हिसाब से इनको जमाओ। डॉबरनियर ने इनको सेट ऑफ थ्री के हिसाब से जमाया था। डॉबरनियर ने सिर्फ यही ट्रायड नहीं बनाया था, डॉबरनियर ने टोटल तीन ट्रायड्स बनाए थे। देखो
डॉबरनियर के टाइम पर डॉबरनियर के द्वारा टोटल तीन ट्रायड बनाए गए थे। पहला ट्रायड लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का था। लिथियम का मास 7, पोटेशियम का मास 39, दोनों के मास का एवरेज किया 23, सेंटर के बराबर हो गया। दूसरा ट्रायड उन्होंने बनाया था कैल्शियम एटॉमिक नंबर 40, बेरियम एटॉमिक नंबर 137। तो 40 + 137 डिवाइडेड बाय 2 88.5। आप देखो अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है, यानी एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। तीसरा ट्रायड था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन का मास 35.5, आयोडीन का मास 127 डिवाइडेड बाय 2 81.25, अप्रोक्सीमेटली 80 ब्रोमीन का मास है। तो ये तीन ट्रायड्स डॉबरनियर के द्वारा बनाए गए थे। इन तीनों ट्रायड्स को आप लोग अच्छे तरीके से अपने नोटबुक के अंदर लिख लो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई सर, आज डॉबरनियर के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि डॉबरनियर के ट्रायड लॉ में लिमिटेशन आ गया, और वो लिमिटेशन एक ही बहुत ज्यादा था, अकेला लिमिटेशन ही काफी है दुनिया के सामने। और वो लिमिटेशन क्या है? दैट इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरी एलिमेंट एंड इज लिमिटेड फॉर सम एलिमेंट्स ओनली, फॉर सम एलिमेंट्स ओनली, कुछ ही एलिमेंट्स के लिए, कुछ ही एलिमेंट्स के लिए लिमिटेड था। कैसे सर? एग्जाम्पल से कुछ समझा सकते हो आप हमें? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, भाई ये भी तीन एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये भी तीन एलिमेंट है। भाई नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 14 एंड आर्सेनिक एटॉमिक मास, चलो 78 ले लेता हूं मैं अप्रोक्सीमेटली इसका एटॉमिक मास, वैसे तो 75 के आसपास होना चाहिए, तो चलो मैं 75 ले लेता हूं। चलो 14 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2, 5 प्लस 4 9, 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 45। इसका एवरेज वैसे तो 44.5 आना चाहिए, चलो लिख लेते 44.5, लेकिन आपको मालूम है फास्फोरस का मास कितना होता है? 31। तो यहां पर ट्रायड लॉ फॉलो ही नहीं हो रहा है। ट्रायड लॉ की सबसे बड़ी यूएसपी क्या थी? ट्रायड की सबसे बड़ी यूएसपी जिसकी वजह से ये मार्केट में बिक सकता था वो ये थी कि जब आप ट्रायड बनाते हो तो ट्रायड में पहले एलिमेंट का और तीसरे एलिमेंट का जो मास है, आप जब उसका एवरेज निकालते हो तो वो मिडिल एलिमेंट के मास के बराबर होता है। लेकिन यहां पर इस ट्रायड में तो ये एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा है, इट इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये है कि डॉबरनियर ट्रायड के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक थी, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में गड़बड़ थी, और इसीलिए ये वाला ट्रायड लॉ जो था वो फेल हो गया, बर्बाद हो गया, और इसीलिए हमें आगे बढ़ के अब एक नए लॉ की तरफ जाना पड़ेगा जिसका नाम था पंकज उदास लॉ। पंकज उदास लॉ मतलब सर क्या बकवास कर रहे हो, सर क्या बदतमीजी है, सर क्या बकवास फेल रहे हो। एक बार क्या हुआ, कुछ समय की बात, यानी आप मान के चलो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो 1866 के आसपास की बात होगी, लगभग आप मान के चलो 1866 के आसपास की बात होगी, एक और प्रोफेसर केमिस्ट, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, अपने बाबू शोना से ब्रेकअप करके आ गए। उनकी बाबू शोना ने बोला कि मुझे आईफोन 13 प्रो मैक्स चाहिए, पर इन्होंने बोला कि भाई मैं छोटी सी यूनिवर्सिटी में बड़ा सा प्रोफेसर हूं, और इस छोटी सी यूनिवर्सिटी में बड़े से प्रोफेसर की भी तनख्वाह छोटी होती है, और उस समय किडनी का बिजनेस भी इतना ज्यादा फेमस नहीं था कि मैं अपनी किडनी देकर तुझे आईफोन 13 दिला दूं, और चल तुझे आज मैं अपनी किडनी बेचकर आईफोन 13 दिला दूं, कल मान लो आईफोन 17 अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड और वैसा कुछ प्रो फोन आ गया तो फिर मेरे पीछे पड़ेगी।
फिर क्या मैं दूसरी किडनी बेचूंगा तो मर ही जाऊंगा। तो उन्होंने अपने बाबू सोना को साफ मना कर दिया कि तुझे आईफोन 13 प्रो मैक्स में नहीं दिलाऊंगा। अब क्या हुआ, अब उसने ब्रेकअप कर लिया, उसने बोला ठीक है वी आर डन मूव ऑन, मैं तेरे से ब्रेकअप कर रही हूँ, और उसको छोड़कर चली गई। अब ये बेचारा उदास आदमी घर आया, पैग बनाया और पैग बना के पीने लगा, पीने लगा करके पीने लगा, और पीते पीते अपने पियानो पर जाकर बैठ गया। पियानो उस समय आप लोग सब जानते हैं पियानो, पियानो में सा रे गा मा पा धा नी सा, या अंग्रेजी भाषा में डो रे मी फा सो ला टी, ऐसा कुछ था। डो रे मी फा सो ला टी, क्या मैंने सही बोला, डो रे मी फा सो ला टी, ओके डो रे मी फा सो ला टी, तो ला टी बजाने लगा। बजाने लगा, बजाते बजाते एकदम इसको याद आया, और मेरी छोटी सी यूनिवर्सिटी में इस बड़े से प्रोफेसर का कल लेक्चर है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अच्छा इनके समय तक, क्योंकि 1866 के आसपास की बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ गए थे। वैसे तो मेंडलीव जब आए थे तब 63 एलिमेंट्स नोन थे, डॉबरनियर के समय 32 नोन थे, इनको शायद शायद कुछ 40-50 के आसपास एलिमेंट तब तक डिस्कवर हो चुके थे। अब इनको डर लगा फटी कि अब क्या करे क्या करे क्या करे, इधर ब्रेकअप हो गया, इधर दारू पी ली, अब मैं क्या करूं, कैसे लेक्चर दूं, मेरे को कुछ एलिमेंट्स तो पढ़ाने ही पड़ेंगे कल सुबह जाके, परेशान हो गए। तो इन्होंने क्या करा, वही सेम फंडा अपनाया, एलिमेंट्स उठाए एंड बेस्ड अपॉन देयर रिएक्टिविटी एंड बेस्ड अपॉन देयर रिएक्टिविटी He placed the element in the increasing order of their atomic masses in such a way, किस तरीके से रखे, इन्होंने रखे सबसे पहले म्यूजिकल नोट के हिसाब से, इन्होंने रखा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट उस समय नोन था। हाइड्रोजन के बाद में, हाइड्रोजन से बड़ा एलिमेंट नोन था उस समय लिथियम, तो हाइड्रोजन के बाद में लिथियम रख दिया, लिथियम के बाद में बेरिलियम रख दिया, बेरिलियम के बाद में बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में रख दिया फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में रख दिया सोडियम, फिर सोडियम के बाद में रख दिया मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन पोटेशियम एंड कैल्शियम। एंड इन्होंने ये पाया कि जिस प्रकार हमारे म्यूजिकल नोट में हर आठवां नोट पहले नोट की तरह सेम होता है, जैसे सा रे गा मा पा धा और नी, ये सातवां नोट है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी पहला नोट दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी पहला और आठवां नोट सेम, सा रे गा मा पा धा नी और सा, आठवां जो नोट आया वो भी सा है और जो पहला नोट आया था वो भी सा है, फिर रे गा मा पा दा नी सा रे गा मा डो रे मी फा सो ला टी डो रे मी फा सो ला टी, क्या बात समझ में आई, यानी पहला और आठवां नोट सेम है। उसी प्रकार जब इन्होंने
एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मास के हिसाब से इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में रखा, तब उन्होंने क्या पाया कि हाइड्रोजन जो पहला एलिमेंट इन्होंने रखा, इसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा और आठवा जो एलिमेंट आया फ्लोरीन, उसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन जैसी थी। कैसे सर? हाइड्रोजन एक H2 नामक गैस है, हाइड्रोजन एक हेलोजन के साथ में कंबाइन होती है, उसी प्रकार फ्लोरीन भी एक गैस है, क्लोरीन भी एक गैस है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से अटैच होता है, वैसे एक क्लोरीन एक फ्लोरीन से अटैच होता है। क्या बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? ये भी गैस, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी सिमिलर होने की वजह से उन्होंने हाइड्रोजन के बाद में फ्लोरीन रखा, फिर फ्लोरीन को वन माना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 क्लोरीन अगला एलिमेंट आ गया। मतलब आपके सा वाले म्यूजिकल नोट की तरह आपके हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन भी थे। फिर आप देखो लिथियम जो कि रे के नीचे आया, लिथियम अगर पहला एलिमेंट है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा यानी सेवंथ और ये फिर एट एलिमेंट सोडियम आ गया। फिर सोडियम वन है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 फिर एट एलिमेंट आपका कैल्शियम आ गया। ऐसे करते करते उन्होंने ये एलिमेंट्स को म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से अरेंज कर दिया। तो उनके अरेंजमेंट में हम क्या बोलेंगे, दैट बेस्ड अपॉन देयर रिएक्टिविटीज, वो रिएक्टिविटी किनके साथ में होगी, विथ ऑक्सीजन, विथ हाइड्रोजन, विथ हेलोजन एंड देयर प्रॉपर्टीज, जैसे कि कोई गैस है क्या, डायटॉमिक गैस है ऐसा, तो बेस्ड अपॉन देयर रिएक्टिविटी ही प्लेस द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास इन सच अ वे दैट द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट is similar to the eighth element just like we see in musical notes, and इस चीज को किसने किया, इस चीज को दिया हम लोगों को न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने, जिसे बाद में बोला जाने लगा न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। इस लॉ को नाम दिया गया न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ, वेयर ऑक्टेव वर्ड इज ऑक्टेंड फ्रॉम ऑक्ट, ऑक्ट मतलब एट, यानी हर एट एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे हर एट म्यूजिकल नोट फर्स्ट म्यूजिकल नोट की तरह ही सेम होता है, सा सा, रे रे, गा गा, मा मा, पा पा, ध ध, नी नी, सा सा, दोनों एक दूसरे से एट पोजीशन पर होते हैं। क्या बात समझ में आई? इस तरीके से आप देख सकते हो हमारे न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। अच्छा आप देखो यहां पर ये कैल्शियम तक तो बढ़िया काम करी, ये कैल्शियम तक तो चकाचक काम करी, कैल्शियम तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कैल्शियम के बाद में अगर मैं क्रोमियम को देखूं, जो कि न्यूलैंड ने रखने की कोशिश की थी, ये क्रोमियम बेरियम और एल्यूमिनियम से बहुत अलग टाइप का एलिमेंट है। अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं तो कैल्शियम और सिलिकॉन नॉन मेटल्स हैं, ये यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स भी अलग होते हैं, लेकिन टाइटेनियम एक प्योरली अलग मेटल है। नाइट्रोजन और फास्फोरस से मैग्नीज बिल्कुल अलग है, ऑक्सीजन और सल्फर से आयरन बिल्कुल अलग है, और यहां पर तो उन्होंने पोजीशन बचाने के लिए क्लोरीन के बाद में दो एलिमेंट एक साथ एक ही बॉक्स में रख दिए, कोबाल्ट और निकल। तो फिर एक बात बताओ ना, क्या तुम सा के बाद में एक साथ रे भी गुजर सकते हो सेम पोजीशन पर? नहीं, मतलब इन्होंने यहां पर अपना खुद का ही लॉ तोड़ दिया। फिर कॉपर
पोटेशियम लिथियम और सोडियम से मैच ही नहीं करता, जिंक कैल्शियम मैग्नीशियम और बेरियम से मैच नहीं करता, वाइट्रियम इंडियम आर्सेनिक सेलेनियम ये सब प्रॉपरली अरेंज्ड फिर नहीं थे। क्या ये बात समझ में आ गई? फिर यहां देखो सेरियम और लेंथेनम इन्होंने गुजर दिया, यहां पर जिरकोनियम गुजर दिया। तो ये इनकी कंप्लीट टेबल थी जो कि देखा जाए तो अप टू कैल्शियम प्रॉपरली वर्क करी, अप टू कैल्शियम ये प्रॉपरली वर्क करी। तो यहां पर कुछ लिमिटेशंस आ गए, यहां पर कुछ लिमिटेशंस आ गए। और सबसे पहले लिमिटेशन क्या था? दैट इट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू, इट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम एंड नॉट फॉर द हेवियर एलिमेंट्स। हेवियर एलिमेंट्स पर यह किसी भी तरीके से काम नहीं करी। दूसरा, ही प्लेस्ड टू एलिमेंट्स टूगेदर विच इज नॉट एक्सेप्टेड, विच इज नॉट एक्सेप्टेड। भाई ये तो एक्सेप्टेड ही नहीं, तो आप कैसे रख सकते हो? आप अपने खुद के लॉ को तोड़ रहे हो। तीसरा, इसने हाइड्रोजन को फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रख दिया। मतलब क्या हाइड्रोजन तुम्हारा हेलोजन है? नहीं, हाइड्रोजन किसी भी तरीके से एक जगह पर रखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा मेंडलीव ने भी सेम गलती करी थी अपने पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव ने भी हाइड्रोजन को लिथियम सोडियम और पोटेशियम के साथ रख दिया था। एक्चुअली हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो हेलोजन की तरह ग्रुप वन एलिमेंट की तरह भी बिहेव करता है और अलग भी बिहेव करता है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन गलत है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट करेक्ट। आप हाइड्रोजन को किस बेसिस पर फ्लोरीन क्लोरीन के साथ रखते हो जब वो लिथियम सोडियम पोटेशियम से भी मैच करता है, वो कार्बन से भी मैच करता है। इसीलिए हाइड्रोजन को टेक्निकली अलग रखना चाहिए। हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस चीज को, हाइड्रोजन को अलग रखा गया है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि लेटेस्ट फॉर्म है उसने इस बात को प्रूव किया है, लेकिन यहां पर ये इतनी बड़ी मिस्टेक हमारे न्यूलैंड दादाजी से हो गई। क्या ये चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो इन कारणों की वजह से हमारे न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ के भी बहुत सारे लिमिटेशंस आ गए और इसके अंदर गड़बड़ी हो गई। तो गाइज आज के लेक्चर में हम यहीं पर इंट्रोडक्टरी पार्ट को रोकते हैं। अगले क्रैश कोर्स के लेक्चर में हम मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दोनों स्टडी करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में हम लोग हमारे ट्रेंड्स की तरफ चलेंगे। यानी चैप्टर ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत से बहुत 5 लेक्चर में मेरी तरफ से आपका क्रैश कोर्स इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू, कीप स्टडिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग ग्रेविटी सर्कल। एंड 11th के लिए तैयार है ना? 11th हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, बस आप अपना साइंस का एग्जाम दे लो। क्लास 11th जेई और नीट की तैयारी ग्रेविटी सर्कल पर आप और मैं मिलकर करने वाले। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।